तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि आप यूज़ करते हैं यहाँ पे टाटा का 1MG ऐप, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आप कैसे ऑर्डर को जो है कैंसिल कर सकते हैं। अब ऑर्डर ऐसा नहीं है कैंसिल करना जो आपने अभी अभी ऑर्डर किया उसको, आपका जो डिस्पैच हो चुका है ना उसके बाद भी आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो मैं माई ऑर्डर समझ आपको दिखाऊँ, तो हमारा जो ऑर्डर है डिस्पैच हो चुका है, कैंसिल का बटन नहीं आ रहा है, उसके बाद कैसे आप इसको जो है कैंसिल कर पाएंगे वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो मैं ऑर्डर डिटेल्स पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो ये डिलीवरी डेट भी दिखा रहा है, सारी चीज़ दिखा रहा है, और यहाँ पे जो है डिलीवर हो जाएगा कुछ दिन में, लेकिन ये डिस्पैच भी हो चुका है और यहाँ कोई कैंसिलेशन का बटन नहीं है, इसलिए हम नीचे नीड हेल्प पर सिंपल क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि आपको क्या हेल्प चाहिए, तो हम यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर लिखा हुआ इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो आपको यहाँ पे गेट ए क्वेश्चन क्लिक हियर टू चैट, क्योंकि हमको चैट करनी पड़ेगी जब यहाँ पे जो है हमारा जो ऑर्डर कैंसिल हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा टाटा सपोर्ट जो टीम है वो आ जाएगी यहाँ पे, और ये पूछा है कि किस तरीके की हेल्प चाहिए, तो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे माई ऑर्डर्स लिखा हुआ लाल बटन इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये कह रहा है कि आप अपने क्वेरी के बारे में बात की बताइए, तो हमने जो क्वेरी जो मतलब एक ऑर्डर प्लेस किया था एक्सिस्टिंग ऑर्डर है उसके बारे में क्वेरी हमको लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पिंटोला की मन ये जो प्रोडक्ट वो हमारा दिखा रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पहुँच चुका है, ये डिटेल दिखा रहा है सारी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ मॉडिफाई और कैंसिल ऑर्डर, तो आपको क्या करना है, मॉडिफाई और कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक करना है, क्योंकि हमको कैंसिल करना है इसको। उसके बाद ये कह रहा है कि आपका जो ऑर्डर है मॉडिफाई तो हो नहीं सकता, ठीक है, एड्रेस वगैरह चेंज नहीं हो सकता, तो और क्या आप काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई विश टू कैंसिल माई ऑर्डर लिखा हुआ सेकेंड नंबर पर, हम इस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद ये जानकारी दे रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट 27-28 मई तक आ जाएगा, और हमने जो टोटल सेविंग कर लिया 45 रुपये की अर्न कॉइन से, तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या करना है प्रोसीड विद कैंसिलेशन लिखा हुआ ना, सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद जो है ये कह रहा है कि आपका कोई रीज़न क्या है कैंसिलेशन का, तो यहाँ पर आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रीज़न दिया था डिस्काउंट इशू का, क्योंकि मेरे को डिस्काउंट इशू की आ रही थी, यानी कि एक दिन बाद ही इसका प्राइस घट गया था, तो उस वजह से मेरे को डिस्काउंट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर डिस्काउंट इशू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये फिर से पूछ रहा है कि आप जो है मतलब कोई और चीज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर कैंसिल दिस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो आपकी जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर ले ली गई है, ऑर्डर 24 से 48 घंटे में आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि आपका जो कॉन्कॉर्न है वो रिजॉल्व हो चुका है नहीं, तो हम सिंपल क्लिक करेंगे यस पे, और यहाँ पे थैंक यू वगैरह बोलेंगे उसके बाद, और आपको क्या करना है चैट को कैंसिल कर देना, मतलब चैट अपने आप पे रहते एंड हो चुकी है, आपको सिंपल बैक आ जाना है, ठीक है। बैक आके फिर वहीं बैक आते हैं, वहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्डर डिटेल्स पर यहाँ पर मैं डिटेल देखता हूँ, तो यहाँ पर कैंसिलेशन इनिशिएटेड लिखा हो चुका है, और यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं 5:44 हो रही है। अब मैं इसको 4 से 5 घंटे बाद फिर से देखने वाला हूँ क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं अब 4-5 घंटे बाद इसको ऐप को ओपन करता हूँ, ऑर्डर डिटेल्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं देखूँगा ऑर्डर हमारा कैंसिल हो चुका है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे डिटेल्स पे जाके देखेंगे तो ऑर्डर कैंसिल वगैरह सब चीज़ लिखा चुका है, और इस तरीके से आप जो है ऑर्डर्स को अपने कैंसिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइस, बाय।